अरुंधति नगर संतोष नगर में एक 26 साल खातून मेमुना सुल्ताना ने अपने शौहर 30 साल ऑटो ड्राइवर अफसरुद्दीन पर मारपीट का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस संतोष नगर में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर सब इंस्पेक्टर रंजीत ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मेमुना सुल्ताना ने बताया कि उसके शौहर ने 6 जुलाई को इस कदर बेरहमी से मारा पीटा कि वो लहूलुहान हो गई थी। इसी दौरान समाजी जहदकार सारा मैथ्यू ने भी पुलिस स्टेशन पहुँच कर इस मामले की छानबीन करने और खाती शौहर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जी, आपका नाम? मेरा नाम मेमुना सुल्ताना है जी। क्या प्रॉब्लम है? जी हम लोग, मैं यहाँ पर एफआईआर लिखाने आई 6 जुलाई के रात में 9 से 10 बजे के टाइम। मेरे शौहर मेरे को बुलाए घर पे, बुला के पैसे देते बोल के बुलाए कॉल करके। मैं घर पे गई तो मेरे को ऐसा मार के ज़ख्मी कर दिए, सिर पे मारे, गला दबा दिए कई देर तक। उसके बाद मैं जान बचा के भागी तो मेरे सिर पे मार दिए, पूरा ज़ख्मी कर दिए। क्यों झगड़ा हुआ आप लोगों ने? जी उन्होंने घर का सामान बेच दिया, उन्होंने अलमारी फ़ैन राशन सब बेच दिए उन्होंने। कितने लड़के और कितने लड़कियां? एक लड़का है मेरे को। कितने साल पहले शादी हुई? 6 साल पहले शादी हुई मेरी। जब से ही ऐसे ही सताते उन्होंने, कई बार ऐसे ही मारे, कई बार ऐसे ही करे, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं करे थे। अब बहुत ज़ख्मी होने की वजह से अब कंप्लेन करे 6 जुलाई के दिन रात में हॉस्पिटल। जी नहीं नहीं मिली, यहाँ पर कुछ भी नहीं करे। यहाँ पर हम यहाँ तक कि उनको पकड़ाए भी, हबीब तलवार के ऑफिस में थे, पकड़ाए शोहर को तो भी पुलिस वाले छोड़ दिए, कुछ भी नहीं करे। एफआईआर भी नहीं दिए हमारे को, उसकी कॉपी भी नहीं दिए हमारे को। उसकी कॉपी होना है और हमारे को इंसाफ होना है। आई एम सारा मैथ्यूज फ्रॉम संकल्प विमेन सपोर्ट अलायंस। अब ये केस यू नो मेरे को रेफर हुआ और मैं मेमुना से बात करी, उसके बाद हम लोग आज यहाँ आए क्योंकि इन लोगों के पास ये मेमुना और फैमिली ये बोल रहे हैं कि पुलिस अब तक कुछ भी नहीं करे। तो हम लोग यहाँ आए चेक करने के लिए कि अगर एफआईआर दर्ज हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, और इन लोगों के पास कुछ कॉपी भी नहीं है, कंप्लेंट की कॉपी नहीं है इन लोगों के पास, एफआईआर की कॉपी नहीं है, एमएलसी की कॉपी नहीं है, क्योंकि इन लोगों को मालूम नहीं है। आई मोस्ट ऑर्डनरी पीपल डू नॉट नो हाउ द लॉ वर्क्स। अब यहाँ आए तो दे यू नो मालूम हुआ कि जो ऑफिसर है जिसने ये केस रजिस्टर किया, उनका नाइट ड्यूटी है, यहाँ पे नहीं है। पर जब हम लोग एफआईआर कॉपी देखे तो उस पर कोई सिग्नेचर नहीं है, ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं है। क्या आपको एफआईआर कॉपी मिली यहाँ पर? नहीं दे रहे हैं, बिकॉज जैसे ऑफिसर यहाँ पे अभी नहीं है, नाइट ड्यूटी है उनका। तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, कॉपी ऑफ द कंप्लेंट, कॉपी ऑफ द एफआईआर नहीं मिला। एमएलसी वो लोग बोले नहीं दे सकते जब तक ऑफिसर नहीं आए, और वो एफआईआर पे भी ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं है अब तक। और हम लोग शायद अभी 40 मिनट्स हुआ यहाँ पे वेट करके, उसके बाद मिला, देखने को मिला, क्योंकि हम लोग प्रेशर डाले, इंसिस्ट करें कि ये हक है इन लोगों का कि वो एफआईआर देखे, उनके पास कॉपी होना। तो ये पुलिस वाले क्या बोल रहे, उन लोगों ने आके पूछे ना नहीं दिए। देखो आम आदमी जो है उनको पूरा कानून मालूम है, क्या क्या करना, पुलिस शुड गाइड देम। अब वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो नाउ वी हैव टू प्रोसीड, वी हैव टू सी व्हाट फर्दर हैज़ टू बी डन। हम लोग फिर से आएंगे रात में यहाँ पे वो ऑफिसर से मिलने के लिए। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BIPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saidabad, Hyderabad. Phone 040-2970-1124. An Institute of Success Schools.